प्रिय मित्रों, एक बहुत ही अच्छी बात और हकीकत मैं आपको बता दूं कि चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या फिर एसएससी और टेट सीटेट का परीक्षा हो, उसमें ज़िलों और राज्य से संबंधित कुछ न कुछ सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और उसमें यूपी का नाम शामिल ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके सर्वाधिक ज़िले भारत में अपना योगदान दे रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं, सर्वाधिक विकास दर वाले ज़िले कौन से हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, और इस तरह से जो सबसे ज़्यादा हैं उन ज़िलों का नाम क्या है। मतलब समझिएगा, ज़िलों पर आधारित बहुत से क्वेश्चन आपके आते हैं। ज़िलों को इंग्लिश में डिस्ट्रिक्ट्स बोला जाता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो 75 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ यूपी इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है। आइए दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला आगरा है, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला आगरा है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला जो है लखीमपुर खीरी है। जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला महोबा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला संत कबीर नगर है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की सूची, उनकी लोकसभा सीट और पार्टी के नाम सहित ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में। सबसे पहले अब हम आपको दिखाते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले हैं। ये पुरानी रिपोर्ट 2011 के आसपास की है, जो भी है ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो ज़िला है वो गौतम बुद्ध नगर सबसे एक नंबर एक पे आता है, जिसमें 80.10% साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है, जिसे जीबी नगर बोलते हैं। उसके बाद है कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, लखनऊ, मैनपुरी, कानपुर देहात, वाराणसी और झांसी। झांसी में जो प्रतिशतता है साक्षरता की, वो इन दसवें स्थान पर सबसे कम है। इसके बाद आपका सवाल आता है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन से हैं। तो दोस्तों, इसको तो हम आपको अगले वीडियो में दिखाने वाले थे, लेकिन फिर भी इसी में दिखा दे रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आपसे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पुट अप किया जाता है यूपीएससी की परीक्षा में, तो आपने देखा होगा अक्सर आता है, कुछ ना कुछ सवाल इसमें से ज़रूर आते हैं। और याद रखिएगा इनको, अगर आप यूपी से हैं तो आपके इंटरव्यू में यूपी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुंभनगरी प्रयागराज अर्थात पुराना नाम इलाहाबाद 59,54,391 जनसंख्या के साथ ये पहले पायदान पर है यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला। और आपको बता दें, ये जो जानकारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मूल निवासियों की जनसंख्या है। बाकी 59 लाख आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ की मूल निवासी हैं, और कम से कम 20 से 15 लाख स्टूडेंट यहाँ पर कमरे लेकर किराए पर रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ की जनसंख्या जो है, जितना आप देख रहे हो उसका कई गुना ज़्यादा है रियल में अगर देखा जाए। दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद, उसके बाद आता है गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, हरदोई और खीरी। यानी कि 14 जिलों में लखीमपुर खीरी जनसंख्या में सबसे कम 40,21,243 है। अगर लिंगानुपात पर चलें तो लिंगानुपात देखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं, इनको ज़रा गौर से देखिएगा। जौनपुर में लिंगानुपात है 1024 का मतलब आप जान रहे हैं, यानी कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियाँ हैं। आजमगढ़ पर 1019 और देवरिया में 1017। इस तरह से आगे हम आपको दिखाते ले चलते हैं, सबसे अधिक विकास दर वाले ज़िले कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो यूपी का सबसे अधिक विकास दर वाला ज़िला है वो नंबर एक पर आता है बहराइच, दूसरे नंबर पर है गाजियाबाद, जिसकी विकास दर लगभग 46.48 से 42.27 है। सबसे ज़्यादा भूमि वाले, क्षेत्रफल वाले जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, उसमें कुशीनगर का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है सोनभद्र, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद, बदायूं, ललितपुर और झांसी। ये हैं क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट्स का स्थान। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन से हैं, मतलब जनसंख्या अलग है, जनसंख्या घनत्व तो अलग है। जनसंख्या घनत्व तो का मतलब ये हुआ कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो है गाजियाबाद में, जिसमें एक वर्ग किलोमीटर में लगभग में 4000 लोग रहते हैं, मतलब 3967। उसके बाद वाराणसी, लखनऊ और संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं ये हमने आपको दिखा दिया है। यूपी में 18 मंडल हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख लेना वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर हम दिखाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा।
ये सभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के 18 मंडल का नाम। तो इस तरह से आपने एक वीडियो में क्या क्या नहीं देख लिया मेरे भाई, बहुत कुछ देख लिया है। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा बिना देर करे हुए। चलते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। व्यस्त रहें, मस्त रहें, देखते और दिखाते रहें आपका PBR स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।